हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एच टू स्टडी चैनल में। देखिए, आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं मैथमेटिक्स टू का कंप्लीट फार्मूला। ठीक है ना, मैथमेटिक्स टू का कंप्लीट फार्मूला, जिसमें पूरा बेसिक से और जितना एडवांस तक जो जो भी फार्मूला बन सकता है, जो आपका सिलेबस में है, वो सब पूरा कंप्लीट फार्मूला आपको डिटेल से इसमें समझाएंगे और बताएंगे। बढ़िया से सब लोगों को एक जगह बैठ जाना है, कॉपी निकाल लेना है। जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे वैसे ज़रूर लिखते चलिएगा। पहला काम दे रहे हैं, वैसे याद हो जाएगा आपका। अगर आपका याद है, पहले से रट कर रखे है, कोई बात नहीं, एक बार फिर लिखिएगा देख के, लेकिन ज़रूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो अगर आप तक पहुँच चुका है तब, और अगर नहीं पहुँच चुका है तो कोई बात नहीं है, कमल ओढ़ के सोए भी रहिए, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स टू। तो देखिए, ये जो मैथ टू है ना, इस मैथ टू में देखा जाए ना तो बहुत सारा फार्मूला है जो मैथ वन में पढ़ना है। तो बहुत सारा फार्मूला तो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पहले स्टार्ट कर देते। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो फार्मूला है ना उसको बताते, क्योंकि जो भी आपको मैथमेटिक्स टू में पढ़नी है, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फंक्शन, सब में आपको ट्रिग्नोमेट्री घुसेगा। और ट्रिग्नोमेट्री समझ रहे हैं ना, वही ओंगली करने वाला है, ओंगली करने वाला। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आ रहा है ना तो बर्बाद कर देगा एकदम मैथ को। तो हर एक जगह ही ओंगली करता है ट्रिग्नोमेट्री, तो हर एक जगह घुसेगा, मिलेगा। तो उससे पहले उसी को पहले निपटा क्यों न ले। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को ही निपटाते हैं, उसमें बेसिक बेसिक जितना भी बन सकता है ना सारा चीज़ हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में तो सब लोग जान रहे होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा होती है। छः को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होता है। तो उसमें से क्या क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग से लिख रहे हैं, लिखिएगा ज़रूर। तो देखिए कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में वन, पहला फार्मूला। दूसरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में वन। तीसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के साथ टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये जो तीनों है फार्मूला, इस तीनों फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। इसका लगता है जान निकल गया ये मार्कर का, इसका लाइफ टाइम ख़त्म, इसका बचा हुआ है अभी। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टैन स्क्वायर थीटा, इतना सबके दिमाग में होना चाहिए तीनों फार्मूला। इसके बाद यहाँ से जो ज़रूरत पड़ती है, देखिए ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भी इसको ब्रेक करके और अलग फार्मूला इसके साथ साथ बना सकते हैं। यहाँ पर और आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर और ज़रूरत पड़ेगा कि हमको साइन थीटा को हम लोग वन अपॉन में कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इस कॉसेक थीटा को इन्हें यही, इसे बहुत छोटका छोटका ज़रूरत पड़ता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को हम लोग दोनों मिला के वन के बराबर लिख सकते हैं। इसका भी लगता है कि टाइम पूर गया है, ये हो गया। अब इसके बाद कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन में सेक थीटा, सेक थीटा को इन्हें ले आएंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या लिख देंगे, वन। ये भी आपको याद रखनी। इसी तरह से सेम आती है ये वो टैन वाला फॉर्मेट, टैन वाला का क्या है सो देख लीजिए, टैन थीटा को हम लोग वन अपॉन में कॉट थीटा लिख सकते हैं, या नहीं तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का ज़रूरत पड़ा तो दोनों मिला के दोनों का प्रोडक्ट वन के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना। टैन थीटा बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसको तो पूरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में यूज करना है। टैन थीटा को हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर कॉट थीटा की बात किया जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। इतना सबको याद होना चाहिए, सभी लोगों को रटते चलिए, जोर जोर से बोलते चलिए, टैन थीटा बराबर जैसे ए फोर एपल, उसी याद रखिएगा, टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है ना। ये तो हो गई आपको, कहीं कहीं ना आपको जैसे कोई कोई वैसा फॉर्मेट मिलता है एंगल निकालते वक्त, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पे साइन के साथ अंदर माइनस थीटा रहे ना,
ऐसे जैसे रहता है ना बहुत जगह आपको देखने को मिलता है, तो ये वाला माइनस वा को बाहर निकाल देते हैं, माइनस साइन थीटा बन जाता है, ठीक है ना। अगर यही कॉस के साथ माइनस थीटा रहे ना तो ये माइनस वा जो भी रहता है बाहर नहीं निकलता, ये प्लस के साथ कॉस थीटा ब्रेक होता है, इसको आपको याद रखना है। जबकि टैन अगर टैन के साथ माइनस थीटा रहेगा ना तो इसके साथ माइनस टैन थीटा निकलता है, यानी ये वो ये कॉस थीटा है ना ये रंगदार है, रंगदार है, यही माइनस थीटा रहेगा लेकिन ये माइनस बाहर निकाल में नहीं करता, ये प्लस रहता है, नहीं देखते रंगदार का यही रहता है रुतवा। तो साइन कॉस टेन और सेम उसी तरह अगर कॉस एक माइनस थीटा मिले तो इसका माइनस कॉस एक थीटा बन जाता है, कॉस के साथ अगर सेक माइनस थीटा मिले तो इसका भी प्लस सेक थीटा के साथ ब्रेक होता है ना, यानी कॉस और सेक दोनों गोतिया भाई है। फिर टेन का क्या होता है, कॉट के साथ अगर माइनस थीटा रहे तो इसका माइनस के साथ कॉट थीटा निकलता है, इतना ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला है, इतना सभी लोग फार्मूला जरूर नोट डाउन करिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग तब आएंगे जब इसको साफ करना होगा, साफ करने वाला है कहाँ, चलिए यहाँ तक याद हो गया ना, यहाँ तक याद हो गया तो बहुत बढ़िया है, यहाँ तक रट लीजिएगा, लिखिएगा कॉपी में जरूर लिखिएगा, बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा क्या, सो देखिएगा, इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा साइन के साथ ए प्लस बी, इसका होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा साइन ए माइनस, इसका डेट एक्सपायर कर गया, इसका क्या हो जाएगा, बहुत दिन बाद आज मार्कर से लिख रहा है, ए माइनस बी, सब दिन सिस्टम से पढ़ाया है ना तो वहीं पे, साइन ए माइनस बी यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ हो जाता है माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा साइन का फार्मूला। अब आगे बढ़ते कॉस के साथ ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस रहती है तो यहाँ पे माइनस डालते हैं माइनस साइन ए इंटू साइन बी, अगर कॉस ए माइनस बी रहती है तो बनता है कॉस ए इंटू कॉस बी, या माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। इतना सब लोग याद रखिएगा, साइन हो गया कॉस हो गया, अब आते हैं टैन में, ए प्लस बी टैन ए प्लस में टैन बी अपॉन में वन माइनस में टैन ए इंटू टैन बी, टैन ए माइनस बी टैन ए माइनस में टैन बी अपॉन में वन प्लस में टैन ए इंटू टैन बी। यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर यहाँ टेन ए प्लस बी दे तो यहाँ प्लस, नीचे जस्ट उसका अपोजिट माइनस, अगर माइनस माइनस दे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, दो दो चार दो छः, ये छः आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ से और क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है ना, इस दोनों को जोड़िए, इस दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो यहाँ से और फॉर्मेट प्राप्त होगा, यहाँ से प्राप्त हो जाता है एगो टू के साथ अगर साइन ए इंटू टू साइन ए इंटू अगर कॉस बी रहे, टू साइन ए इंटू कॉस बी रहे तो इसका फार्मूला क्या बनता है, इसका बनता है साइन के साथ ए प्लस बी, दोनों एंगल वा को जोड़ दीजिए, एक बार साइन के साथ ए माइनस बी कर दीजिए, ये होता है ना। फिर एक बार जोड़ दिए हैं, एक बार घटा देते हैं, घटा देंगे ना तो ई वाला प्लस हो जाता है, तो एक बार आ जाएगा टू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी बराबर कॉस ए प्लस बी, नहीं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी
यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। ये हो गया टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए, अरे दादा टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। अब आते हैं इसमें, इसमें जब जोड़ेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ से वो फार्मूला बनेगा टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी। इसका ना सबसे ज़्यादा यूज होता है कब, जब आप इंटीग्रेशन सोल्व करिएगा ना, वहाँ पे इसका यूज होगा। तो टू कॉस ए कॉस बी का क्या यहाँ से बनेगा, टू कॉस ए कॉस बी बराबर यहाँ से बनेगा कॉस के साथ ए प्लस बी, प्लस में कॉस के साथ ए माइनस बी। एक और फार्मूला था माइनस के साथ टू साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मेट होता है कॉस के साथ ए प्लस बी, प्लस है तो माइनस, कॉस के साथ ए माइनस बी। बस ये चारों फार्मूला आपको याद रखना। इसके बाद यहाँ से और क्या मिलने वाला, एगो मिलेगा साइन के साथ ए प्लस बी, साइन के साथ ए माइनस बी, उसको भी बताते चल रहे हैं। मतलब जितना भी आपके लिए जरूरी चीज़ है ना, सारा चीज़ बता दे रहे हैं। इतना लिख लिए सब लोग, जल्दी से लिखिएगा, इतना छूटना नहीं चाहिए, को सबके कॉपी में होना चाहिए। एग्जाम घड़ी यह काम देगा आपको, समझिए ये एग्जाम का टॉनिक है, टॉनिक तो पी लीजिए इसको, नहीं टॉनिक, हाँ टॉनिक नहीं तो जन्म घुट्टी एगो होता है ना वो वाला है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से और मिलेगा साइन के साथ, जैसे इस तरह से मिलेगा साइन ए प्लस में साइन बी, एक ये मिलेगा साइन ए प्लस साइन बी को जो हम लोग लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं टू साइन ए प्लस बी अपॉन में टू इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन में टू, टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। एक होता है साइन ए माइनस के साथ साइन बी, इसका होता है टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, साइन ए कॉस बी। अब एक होता है कॉस ए प्लस में कॉस बी, इसका होगा टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस के साथ ए माइनस बी बाई टू। ये हो गया कॉस का। एक होता है कॉस ए माइनस कॉस बी, इसको भी याद रखिएगा, माइनस टू कॉस ए माइनस कॉस बी। तो यहाँ इसको लिखेंगे ना माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। इतना सारा नोट डाउन कर लीजिए। तो इतना सारा नोट डाउन सभी लोग कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ से और आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी सो देखिए। अब आते हैं कहीं पे अगर साइन टू थीटा हो तो इसको हम लोग टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखते हैं। यहाँ पे दो रहेगा तो यहाँ पे आधा आधा हो जाता है, और ये दो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे अगर कहीं पे साइन अगर फोर थीटा रहेगा तो अब यहाँ फोर थीटा के चलते यहाँ चार नहीं लगा दीजिएगा, यहाँ हमेशा दुए रहेगा। फिर साइन लिखेंगे यहाँ चार थीटा ना, इसका आधा यहाँ हो जाएगा टू थीटा, चार थीटा यहाँ आधा क्या हो जाएगा कॉस के साथ टू थीटा। ऐसे हम लोग ब्रेक करते हैं। अगर मान लेते साइन के साथ कहीं पे एट थीटा हो तो इसको क्या लिखेंगे, टू अपना रहिए जाएगा, साइन आठ है वो आधा में कन्वर्ट हो जाएगा चार थीटा में, कॉस है वो चार थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रहेगा ही, एगो याद रखिए साइन टू थीटा, बाद बाकी याद हो जाएगा। अगर मान लेते खाली साइन थीटा रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो को दो रह दीजिए, साइन यहाँ थीटा है ना तो यहाँ हो जाएगा थीटा बटा टू कॉस थीटा बटा टू, हो गया। ये है नीचे दिख रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई गिला शिकवा कुछ होगा तो बताइएगा नीचे,
कमेंट में। ये हो गया, अब आते हैं कॉस वाला में। तो देखिए कॉस टू थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसको तो कहबे मत करिए, डिफरेंशिएशन हो इंटीग्रेशन हो कुछ भी हो ये पूछबे करेगा। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसको और लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पूछता है ना सो देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पूछता है वो देखिएगा, सबसे ज़्यादा पूछेगा इस माइनस को एन ए ले आइए, इस माइनस को एन ए। तो यहाँ से पूछता है वन प्लस में, जैसे इस माइनस को एन ए ले आए तो वन प्लस में कॉस टू थीटा बराबर टू कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है वन प्लस कॉस टू थीटा का। कैसे देखिए, वन प्लस कॉस थीटा में ये टू अपना कॉन्स्टेंट रह गया और इस टू थीटा के यहाँ आधा हो गया। अब इससे भी एगो बनता है, यहाँ से बनता है वन माइनस ये कॉस टू थीटा, चल टू थीटा एन आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा, तो यानी वन माइनस में कॉस टू थीटा, वन माइनस में कॉस टू थीटा बराबर यहाँ से मिल जाएगा दो साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों जरूर याद रखिएगा, कहीं कहीं ये इसे मिलेगा वन माइनस कॉस वन प्लस कॉस है ना, तो कहीं खाली दिखेगा वन प्लस में कॉस टू नहीं ओनली थीटा, तब कैसे इसको ब्रेक करिएगा, तो दो अपना दो रह जाएगा। और यहाँ देखिए टू था तो आधा हो गया, यहाँ थीटा है तो थीटा का आधा हो जाएगा, यानी टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। बुझा गया होगा, वन माइनस में कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बटा। तो हमेशा याद रखिए, अगर प्लस रहे तो कॉस, माइनस रहे तो साइन, ये दोनों ये वाला फॉर्मेट एकदम होना चाहिए। जय माता दी। इतना हो गया ना, इतना सारा लिख लीजिए सब लोग। अब यहाँ से आपको साइन टू थीटा, अच्छा साइन थ्री थीटा वाला भी पूछता है, तो उसको भी बता देते हैं, इसको मिटा दें। टैन वाला भी लिख दे रहे हैं ना, टैन का भी रहता है। तो देखिए अगर टैन टू थीटा रहे, ये भी पूछता फंक्शन में, तो इसको लिखते हैं हम लोग टू टैन थीटा अपॉन में वन माइनस में टैन स्क्वायर थीटा, ये वाला। अच्छा फंक्शन में एक और फार्मूला यहाँ से पूछेगा, क्या चीज़ पूछता है ना वो देखिए बताते हैं। इसको इधर मिटाते हैं, सभी मिटा देते, इतना सारा नोट डाउन करिए चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी सुन हट गए हम, हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ से ना और एक आप पूछेगा, जैसे साइन और कॉस का फार्मूला टैन के फॉर्मेट में दे दे के पूछता है, ऐसे करके देगा टैन, नहीं नहीं साइन टू थीटा को अगर टैन के रूप में लिखना है तो उसको लिखते हैं टू टैन थीटा अपॉन में वन प्लस में टैन स्क्वायर थीटा। इसको ये वाला याद करना था आप लोग के लिए। फिर एगो कॉस टू थीटा वाला भी होता है, इसका कंडीशन होता है वन माइनस में टैन स्क्वायर थीटा वन प्लस में टैन स्क्वायर थीटा। इतना ट्रिग्नोमेट्री में आपके लिए ज़रूरत है, बाद बाकी आप वैल्यू याद करके रखिएगा, रेडियन डिग्री कितना डिग्री में कितना वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री 80 डिग्री, ये सब आपको अभी नहीं, बस खाली फार्मूला मीन्स फार्मूला, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। इतना सारा है आपको नोट डाउन करके रख लेना है। और इसमें यहाँ पे पूछना, अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर। तो अब हम लोग का टॉपिक आता है मैथमेटिक्स टू में, पहला टॉपिक आता है फंक्शन। फंक्शन में देखा जाए तो फंक्शन में किसी प्रकार का फार्मूला नहीं है, उसमें मेनली हम लोगों को डोमेन और रेंज निकालना है, और डोमेन और रेंज ही उसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और डिफिनीशंस भी है अलग अलग टाइप्स का फंक्शंस का, तो सब सारा चीज़ थ्योरी में आपको कवर करवाया हुआ है। आप आराम से अच्छे से थ्योरी देखिएगा, प्ले लिस्ट में चल जाइए, यानी तो H2O स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए,
सेमेस्टर अगला सेमेस्टर में ना पढ़ाई करना शुरू से, और सब लोगों को ज्वाइन कर लेना है बैच, और बढ़िया से पढ़ना है एकदम। आप लोगों को गाइडलाइन के थ्रू जैसे जैसे पढ़ाएंगे ना वैसे वैसे पढ़िएगा। आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत कर रहे हैं और आपको भी मेहनत करना है। आप लोगों को तो कुछ सीखना चाहिए, ये आप लोग से ज़्यादा तो हम मेहनत करते हैं और आप लोग सुतल हैं। एकरो बढ़िया, एकरो बहुत सारा वीडियो, बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग होंगे ना जो कमल को ओढ़ के नीचे, कमल ओढ़ के नीचे देख रहे होंगे। बैठ के पढ़िए, बैठ के, अब उठ गए होंगे बोले तो, कोई कोई सुतले ही होंगे। उठ के पढ़िए, उठ के मतलब उठ के नहीं, मतलब खड़ा होके नहीं, बैठ कर बढ़िया से टेबल पे कॉपी जरूर सामने रखिएगा, नोट करिएगा जरूर ना। चलिए भागते हैं आगे का टॉपिक, फंक्शन। आप लोगों को लगता होगा ना कि ये सब कैसे सर जानते हैं, हम वो स्टूडेंट हैं समझे। तो जब हम भी कभी कभी ऐसे करते हैं ना, कभी बैठ मतलब कभी 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 लेटे लेटे पढ़ रहे हैं ऐसे करके, कभी होता है कि मोबाइल में पीडीएफ खोल लिया और लेट के इसे देख रहे हैं, तो डांटेंगे माँ कि बैठ के नहीं पढ़ना है, या तो पढ़ाइए छोड़ देना होगा मतलब, या नहीं पढ़ना होगा, यानी तो अगर पढ़ना है तो बैठ के पढ़ना है, ये कंडीशन रहती है हम लोग के पास। और अगर नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, मोबाइल साइड में रख के आराम से सो लो। बहुत स्ट्रिक्ट हैं बहुत। ये हो गया ना फंक्शन। तो फंक्शन में देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फंक्शन में चेक करने के लिए एक और दो को बता देते, इसमें ज़्यादा ऑड फंक्शन है, कोई इवेंट फंक्शन होता है। जैसे देखिए y बराबर अगर f ऑफ x कोई फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को हम कैसे चेक करेंगे कि ऑड फंक्शन है या इवेंट फंक्शन है, तो उस फंक्शन में इनपुट के रूप में माइनस एक्स रख के देखिए, यानी इनपुट में यानी डोमेन में माइनस एक्स रख के देखिए। अगर रेंज में यानी आउटपुट में अगर माइनस एफ ऑफ एक्स प्राप्त हो रहा है, तो उस प्रकार के फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रखे इनपुट के रूप में, अगर मेरे को प्लस एफ ऑफ एक्स प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन के नाम से जानते हैं। इसको आपको भी याद रखना है, बस फंक्शन में इतना ही। अब इसके बाद आते हैं, फंक्शन के बाद हम लोगों को आएगा लिमिट। लिमिट में आते हैं, तो लिमिट में किस तरह से क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट फार्मूला से पूछता है, डायरेक्ट, थोड़ा सा भी इन्होंने इनडायरेक्ट नहीं करेगा, एकदम सीधे सीधे डायरेक्ट दाग देगा फार्मूले। तो डायरेक्ट अगर फार्मूला दे रहा है तो आपको थोड़ा सा फार्मूला पे फोकस जरूर कर लेना है, दो चार नंबर बढ़ जाएगा तो ऐसा भी हो जाएगा कि आप टॉप कर जाइएगा दो चार नंबर के चलते। होता है कि किसी किसी को अगर 89% आ रहा है, नहीं होता है, काश थोड़ा सा दो नंबर और आ जाता नहीं तो सर के 90% आ जाता। होता है, मान लेते हैं जो खाली हमको, बस हमको खाली पास से होना, तो ठीक है आपका तो अलग एकदम दुनिया है वो, आप टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन जिनको लगता है नहीं हमको लाना है थोड़ा अच्छा मार्क्स लाना है, देखिए मार्क्स, लोग बोलता है ना कि मार्क्स मैटर नहीं करता है, रियली मार्क्स मैटर नहीं करता है। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा ना कि हम लोग घर में, हम लोग जैसे हम लोग नया जनरेशन वाले हैं ना, तो घरे बोलेंगे क्या मार्क्स उतना मैटर नहीं करता है, क्या आप लोग परेशान रहते हैं। तो बोलते हैं ना कि मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज। अगर मार्क्स नहीं आ रहा है इसका मतलब आपके पास नॉलेज नहीं है, ऐसे बोलते हैं कि पढ़वे नहीं करेगा तो मार्क्स कहाँ से आएगा। देखते हैं तो दिन भर ऐसे घूमत रहता है लंपट जैसा, ऐसे बोलते हैं। तो थोड़ा हम लोग अलग है, लेकिन आप लोग को मार्क्स मायने रखेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जगह जो जॉब लगती है ना वो मार्क्स बेसिस पे ही सेलेक्ट कर लेता है, वो बना लेता है, डाटा बना लेती है कि मार्क्स के अनुसार हमको छंटनी करना है। कोई कोई ऐसा भी जॉब है जहाँ पे आप अप्लाई करिएगा तो मार्क्स देख के आपके पास एडमिट कार्ड भेजेगा, मार्क्स अच्छा रहे नहीं करेगा तो एडमिट कार्ड ही नहीं भेजेगा। तो नॉलेज के साथ है, ठीक है आपके पास खूब नॉलेज है एकदम,
लेकिन मार्क्स भी आना चाहिए, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मार्क्स ज़रूरी है आपका सेमेस्टर में। ठीक, अब आते हैं लिमिट के ऊपर। थोड़ा सा ना इंक डाल लेते हैं हम, धुंधुर से जैसा लिखा रहा है। देखिए, देखते हैं हम लोग लिमिट का फार्मूला। तो सबसे पहला अगर लिमिट का देखा जाए सिंबल, तो लिमिट का सिंबल इस तरह से देखने को मिलेगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इस तरह से लिमिट होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जैसे देखिए लिमिट दिया हुआ है, अगर एक्स टेंस टू ए दिया हुआ, और अगर दो गो फंक्शन है एफ ऑफ ए प्लस में जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, दो गो अलग अलग टाइप का फंक्शन, तो इस फंक्शन को हम लोग ना दोनों को अलग अलग करके लिमिट लिख सकते हैं। एक्स टेंस टू ए फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस में लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए फंक्शन में जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। सेम अगर मान लेते हैं लिमिट के साथ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस में जी ऑफ एक्स रहेगा, तो इसका फॉर्मेट बनता है लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। अगर मान लेते लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हो, तब ध्यान रखना है लिमिट के साथ एक्स टेंस टू ए, यहाँ एफ ऑफ एक्स रखेंगे, इंटू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर देंगे, जी ऑफ एक्स रखेंगे बीच में मल्टीप्लाई के साथ। अगर डिवाइड के फॉर्मेट में रहा एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करके ब्रेक कर देंगे। एक्स टेंस टू ए ऊपर वाला को एफ ऑफ एक्स डाल देंगे, नीचे वाला को लिमिट के साथ एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स नीचे वाला का डाल देंगे, ठीक ना। ये हो गया। अब देखिए, अब आते हैं लिमिट का असली फार्मूला में। अब लिमिट का असली फार्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू ए अगर एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए नीचे रहे, तो इसका जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, एन ए एन माइनस में वन, ठीक है ना। ये ए, ठीक है, एन ए एन माइनस वन कर बाजे लगा। याद रहेगा ना इतना तक, जहाँ पे कंडीशन याद रखिएगा कि यहाँ ए इज ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट, लिमिट अगर एक्स टेंस टू ए रहेगा ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स रहेगा, तो इसका जो वैल्यू होता है ना वो ई के बराबर आता है, ई टू द नहीं, इसका वैल्यू आपको वन के बराबर आएगा। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ई टू द पावर एक्स माइनस वन, ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन में वन हो तो उसका वैल्यू वन के बराबर आएगा। और अगर अच्छा वन के बराबर कैसे आता है, ये रियल में वन के बराबर नहीं है, ये रियल में यहाँ पे जो एक्सपोनेंट होती है ना, ये लॉग ऑफ ई टू द पावर ई के बराबर, और बेस ऑफ पावर जब इक्वल होता तो इसका वैल्यू वन हो जाती है। अगर इसी तरह से लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, यहाँ ई एक्सपोनेंट है ना, उसके जगह ए टू द पावर एक्स माइनस वन रहे ना, अपॉन में नीचे एक्स रहे, तब इसका वैल्यू क्या निकलता है, इसका वैल्यू निकलता है लॉग ए, यानी ई टू द पावर ए निकलेगा। तो यहाँ पे जो ए है ना वही लॉग ई टू द पावर, इसको हम लोग जनरली लॉग ऑफ ए भी लिख सकते, इधर दिख रहा है ना लॉग ऑफ ए, यहाँ तक तो कैमरा में फ्रेम होगा ना चाहिए, हाँ अच्छा इधर नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे हम तो लिख भी दिए हैं, चलिए अब दिख रहा होगा आप लोगों को।
फार्मूला जरूर याद रखिएगा, अगर लिमिट x टेंस टू a रहे और 1 प्लस में x के पावर में 1 अपॉन में x रहे, देखिए यहाँ पे जितना रहेगा, यहाँ पे जितना रहेगा उसका पावर अगर 1 बटा x रहे तब इसका किसके बराबर लिखेंगे, तो इसका वैल्यू हम लोगों को 1 के बराबर प्राप्त होता है ना, इसका बराबर किसके बराबर, 1 के बराबर नहीं, इसका वैल्यू एक्सपोनेंट के बराबर प्राप्त होता है, इसका वैल्यू एक्सपोनेंट के बराबर प्राप्त होता है, एक्सपोनेंट के बराबर। और एक और यहाँ से फॉर्मेट बनता है, अगर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए रहेगा, और क्या गो फार्मूला बने, 1, 2, 3, 4, 1 प्लस एक्स के पावर में 1 बटा एक्स बराबर ही, अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे लॉग के साथ 1 प्लस एक्स के अपॉन में नीचे एक्स रहे, इस तरह का फॉर्मेट है ऊपर में देखिए, तो लॉग 1 प्लस एक्स के अपॉन में नीचे एक्स है, तो इसका 1 प्लस में लॉग 1 प्लस में एक्स अपॉन में एक्स का फॉर्मेट है, तो यहाँ तो और कुछ है नहीं, अगर लॉग ये है यहाँ पे, अगर लॉग एक्स है तो इसको 1 अपॉन में एक्स यहाँ पर ला सकते हैं, इसको कपार पर चढ़ा देंगे तो यहाँ लॉग नहीं है, तो इस तरह का अगर वैल्यू रहना है तो इसका वैल्यू 1 के बराबर है। देखिए लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, एक्स के पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में सेम, ये एक्स माइनस ए है ना, वही एक्स माइनस ए नीचे भी होना चाहिए, तो इसका एन है एन माइनस वन, एक्स टेंस टू ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, तो ये 1, एक्स टेंस टू ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, तो लॉग ऑफ बेस ई टू द पावर ए, या इसको लॉग ए लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 प्लस एक्स के पावर 1 अपॉन एक्स बराबर ही हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। आई होप यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा, इसको इधर मिटाते हैं, इधर नहीं पूरे मिटा देते हैं। अब देखिए अब यहाँ से अब आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कुछ देखने को मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी सो देखिएगा। अच्छा एक चीज़ और हम बताना भूल गए कि जैसे कि लिमिट है, जैसे लिमिट है इस तरह का, अगर इस लिमिट में एक्स टेंस टू ए दिया हुआ और ये कोई भी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो इस कांस्टेंट को हम लोग बाहर नहीं जाते हैं ना, एक्स टेंस टू ए और यहाँ पे सिंपल ये एफ ऑफ एक्स रहेगा, अब इसको हम लोग लिमिट के भी प्रोसेस इसको कंप्लीट सॉल्यूशंस कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, थीटा टेंस टू जीरो है, और अगर यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में थीटा दिखे, जैसे यहाँ पे जितना है उतना ही नीचे रहे, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। जैसे अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहाँ पे रहेगा साइन के साथ 5 थीटा अपॉन में 5 थीटा, तो यहाँ 5 थीटा यहाँ हो तो इसका वैल्यू 1 के बराबर, ये साइन का होता है। अगर लिमिट के साथ थीटा टेंस टू जीरो और अगर साइन ऑफ जीरो अपॉन में, साइन ऑफ जीरो अपॉन में जीरो रहेगा, नहीं साइन थीटा अपॉन में थीटा रहेगा, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। देखिए लिमिट हम लोग तब अप्लाई करते हैं कि जब नीचे जीरो आ जाए, अगर जो डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना एक्स टेंस टू जीरो, अगर नीचे वैल्यू रखेंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, अगर नीचे जीरो आ जाएगा तो इनफाइनाइट की ओर ना भाग जाएगा, इसीलिए जनरली जो कॉमन पोर्शन होता है ना ऊपर नीचे, उस कॉमन पोर्शन को हम लोग हटाने का कोशिश करते हैं इस लिमिट के माध्यम से और एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं। एक और होता है लिमिट अगर थीटा टेंस टू जीरो है, अगर कॉस थीटा देखने को मिले तो जीरो रख देंगे, कॉस थीटा की जगह तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 हो जाता है। बाप रे, तो इतना हो गया ना, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा पर में थीटा बराबर 1, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 5, यहाँ एक्स नहीं है थीटा लिखिए, थीटा टेंस टू जीरो साइन 5 थीटा हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंस टू, यानी यहाँ जो रहेगा अगर एक्स लेंगे तो यहाँ एक्स लेंगे, यहाँ थीटा ले रहे हैं तो यहाँ थीटा कंसिडर करेंगे, इतना सारा लिख लीजिए। अब ये है हम लोगों का कंप्लीट लिमिट का फार्मूला, अब इससे आगे आपको लिमिट में और कुछ भी फार्मूला देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको अब यहाँ पे अब आपको अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवा ही रहे हैं। अब लिमिट के बाद आती है हम लोगों के पास डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन में क्या क्या चीज़ें हैं
उसमें भी बहुत सारा फार्मूला देखने को मिलने वाला है। डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग के पास आएगा इंटीग्रेशन। सभी लोग जितना लिखे हैं अभी तक फार्मूला सब लोग नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन में। देखिए हम लोग आगे देखते हैं, अभी हम लोग का आगे का टॉपिक था डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला देखते हैं, डिफरेंशिएशन में किस किस टाइप का फार्मूला बन सकता है। तो सबसे पहला देखिए, डिफरेंशिएशन की बात किया जाए तो मेरे पास एक कोई फंक्शन है, ठीक है ना, वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, कोई एक मेरे पास फंक्शन है। इस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे होती है सो देखिए। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का सिंबल आपको किस तरह से देखने को मिलेगा, ये आपको डीवाई बाई डी एक्स के रूप में देखने को मिलेगा, या नहीं तो कहीं पे ये वाई डैश भी देखने को मिलेगा, या नहीं तो कहीं पे एफ एफ एक्स डैश या एफ डैश एक्स इस तरह से भी देखने को मिलेगा। तो कहीं पे भी इस तरह से देखने को मिले तो समझ लेना है कुछ डिफरेंशिएशन करना। कैसे डिफरेंशिएशन, तो देखिए ये जो डी वाई बाई डी एक्स है कहने का, जैसे देखिए यहाँ पे वाई बराबर एफ ऑफ एक्स रहती है ना, तो इस वाई को डिफरेंशिएशन करना है इस एक्स के रिस्पेक्ट में, उसी को लिखने का तरीका है डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक ना। और अब यहाँ से और क्या देखने को मिलेगा, अब आते हैं कि किस किस फॉर्मेट, कौन कौन सा टाइप से अब हम लोगों को डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट बन सकता है वो देखिए। तो सबसे पहला कि अगर मान लेते हैं कहीं पे भी डी बाई डी एक्स दो गो फंक्शंस दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इस तरह से प्लस माइनस दोनों साथ में ले लेते हैं, तो इसको हम लोग को अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो डी बाई डी एक्स ये जो जी ऑफ एक्स है ना उसको अलग कर सकते हैं हम लोग, और ये प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस करने का मतलब प्लस रहेगा तो प्लस के साथ ब्रेक करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ ब्रेक करेंगे। यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिल जाएगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये फॉर्मेट हो गई है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स प्लस माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस के साथ तोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ। और देखिए अगर कहीं पर भी डी बाई डी एक्स एक्स देखने को मिले, अगर वाई बराबर एक्स एगो फंक्शन है तो डी बाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है, वन के बराबर, ठीक है ना। अगर कहीं पे भी डी बाई डी एक्स अगर कोई कांस्टेंट के है या कांस्टेंट सी है उसका अगर डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाए तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर कहीं पर भी डी बाई डी एक्स कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर इस फंक्शन के साथ के कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, और अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहती है ना तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, के डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, उसको हम लोग के को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए के कांस्टेंट हो गया, अब यहाँ तक आई होप सबका हो गया होगा। अब देखिए अब इसके बाद अगर डी बाई डी एक्स एक्स के पावर में एन है, जैसे एक्स के पावर में पाँच, एक्स के पावर में छः, अगर इस तरह से कहीं पे भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट दे तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, ये जो एन है इसको पहले ले आइए, फिर यहाँ पे एक्स के पावर में क्या कर देना है, एन माइनस में वन चढ़ा देना है, यानी डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन को क्या लिखेंगे, एन एक्स के पावर में एन माइनस वन लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मेट है, इतना सारा लिखिए, नोट डाउन करिए। अब इसके बाद और सारा नोट डाउन करते चलिएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मेट है उस पे आते हैं अब हम लोग ना। तो अभी और देखने को मिलेगा, एक्स की पावर एन है ना, अगर हम लोग सपोज करिए यहाँ से ए टू द पावर एक्स का भी फॉर्मेट देखने को मिल सकता है। अभी ट्रिग्नोमेट्री वाला और देखेंगे अभी, जैसे कि और यहाँ यहीं पे देख ले, जैसे और देखिए ये को इस ये भी आप याद कर लीजिए, डी बाई डी एक्स अगर अंडर रूट एक्स देना तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद करके रखना है, इसका होता है वन अपॉन में टू रूट एक्स होता है, ये भी डिफरेंशिएशन आप याद करके रखिएगा। अगर कहीं पे भी डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स दे दे तो लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन में एक्स होता है, ये भी याद करके रखना है। अगर हम लोगों को डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स का फॉर्मेट में दे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, ई टू दी पावर एक्स हो जाता है,
जितना भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट बता रहे हैं सारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट आपको याद करके रखना है, आपको ये सब सारा चीज काम देगा, ठीक है ना। इतना सारा नोट डाउन करिए, फिर इसको मिटाकर और आगे इसमें लिखते हैं और ऐड करते हैं। अभी बहुत सारा इसमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट मिलेगा फार्मूला के रूप में, सारा फार्मूला हम आपको मेंशन कर देंगे, कुछ भी छूटेगा तो आप बताइएगा। अभी अभी इसके बाद फिर साइन का फॉर्मेट मिलने वाला है। अब देखिए, अब इसके बाद बेसिक में आते हैं, बेसिक में साइन का आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का देखने को मिलेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स, बाप रे, साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस ऑफ एक्स, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के साथ साइन ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स साइन कॉस टैन एक्स, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स साइन कॉस टैन कॉस सेक माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, फिर डी बाई डी एक्स सेक एक्स टैन स्क्वायर एक्स, नहीं, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टैन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फार्मूला आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत, इसीलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है ना। क्या हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः, छः ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लिख लीजिए। अब इसके बाद जब छः ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हम लोग यहाँ पे लिख लिए, तब अब हम लोगों को यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, अब देखने को मिलेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी फॉर्मेट देखने को मिलता है। वो किस तरह से देखने को मिलेगा, सो देखिए, डी बटा डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। फिर डी अपॉन में डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर, डी बाय डी एक्स टैन इनवर्स में एक्स वन अपॉन में वन प्लस में एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स, फिर डी बाई डी एक्स साइन कॉस टेन साइन कॉस टेन, फिर अब क्या मिलेगा, साइन कॉस टेन कॉसेक इनवर्स एक्स लिख दें, कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या निकलेगा, यहाँ पे इसका होता है माइनस वन अपॉन में एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस में वन, कॉसेक इनवर्स एक्स में माइनस, साइन इनवर्स एक्स में नहीं, साइन इनवर्स एक्स में प्लस, तो कॉसेक में माइनस। चेक कर लेते हैं एक बार ना, डी बाई डी एक्स कॉसेक के बाद सेक इनवर्स एक्स, यही वाला पूछता है, यही दोनों ज़्यादा पूछता है, इसका तो प्लस हो जाएगा वन अपॉन में, ये मोड एक्स बाहर भी ऐसे भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर एक डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, कितना याद करके रख जाए सारा सब्जेक्ट का डाटा, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बहुत, माइनस वन अपॉन में माइनस वन अपॉन में वन प्लस में एक्स स्क्वायर, बहुत याद करके रखना पड़ता है, बाप रे बाप। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स टेन इनवर्स एक्स, इतना सारा देखिए, तो इतना सारा आपको याद करना, और सोच के रखिए, हम सब आपको बिना देखते ही लिखवा दे रहे हैं, आपको भुलाना नहीं है, अगर भुला गए ना तब सोच लीजिएगा क्या होगा, से सोच का लीजिएगा, हम तो आपके पास आएंगे नहीं, लेकिन आपको तो थोड़ा सा एग्जाम में परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा, इसीलिए भुलाइएगा नहीं ना, ना जितना हो सके एग्जाम से पहले ही सब रट लीजिए, एकदम तोता जिसन रट लीजिए। एक बार ना हम इसको चेक कर ले रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि कहीं पे गलत हो गया तो आप बोलिएगा कि सर गलती गलती बता दिए और चल गए, इसे कंफर्म हो लेंगे ना,
मेरी दद्दा मिलियो नहीं रहा है, कहाँ है से। लग रहा है कि नहीं मिलेगा। लग रहा है का कि मिली या ना मिली, समझे में नहीं आवित बा हमरा के। साइन इनवर्स एक्स ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन के साथ ठीक है, टैन इनवर्स एक्स ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स आर के टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स दो बार लिख दिए यहाँ पे, टैन इनवर्स यहाँ होगा कॉट इनवर्स। देखिए तो बदमाशी, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस। तो ये हो गई हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज। ये को आपको और बताते चल रहे हैं कि अगर कहीं पे भी ये वाला फॉर्मेटवा देखने को मिले डी बाई डी एक्स, ए टू द पावर एक्स का देखने को मिले, तो इसका डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए होता है, ये भी आपको लिख लेना। ये हो गई साइन इनवर्स का, नहीं सॉरी, ये हो गई साइन का, इधर हो गया साइन इनवर्स का, इधर बेसिक चीज हो गया। इतना सारा अब लिखिए और रट लीजिए एकदम, अभी है समय बहुत आप लोगों के पास। इसको मिटाएं, अभी आपको ना और देखने को मिलेगा u इंटू भी का फॉर्मेट वाला ना, अभी u इंटू भी वाला फॉर्मेट वाला नहीं बताए हैं अभी। अब देखिए इसमें और कुछ तो इसमें डिफरेंशिएशन में वैसा नहीं है, फिर आगे जाइएगा तो चेन रूल मिलेगा, एक फॉर्मेट से अलग दूसरा, मतलब एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन में डिफरेंशिएट करना है, तो बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें आपको याद रखना है और जैसे डी बाई डी एक्स दो गो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है, प्रोडक्ट के फॉर्मेट में, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए यू को कांस्टेंट मानना है ए को के, भी को डिफरेंशिएट करना है, यानी डी बाई डी एक्स भी को डिफरेंशिएट करना है, प्लस में भी को कांस्टेंट मानना है, डी बाई डी एक्स यू को डिफरेंशिएट करना है। ये हो गया ना। अब देखिए जैसे अगर d बाई डी एक्स दो गो फंक्शन है u अपॉन में v के फॉर्मेट में, डिवाइड के फॉर्मेट में, तब कैसे। तो देखिएगा पहले नीचे वाला को कांस्टेंट मानिए, बहुत बादल गरज रहा है बहुत, v को कांस्टेंट मानते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, तो d बाई डी एक्स u को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस, अभी u को कांस्टेंट मानेंगे और d बाई डी एक्स v को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, भी का होल स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, यू भी का और यू अपॉन में भी का। इतना सारा नोट डाउन करिए अब और बोलिए भारत माता की जय। एगो ना ये भी पूछता है log ऑफ बेस a टू द पावर x, तो ये देखिए इस तरह से बोलेगा, इसको डिफरेंशिएशन निकाल के बताइए। तो अगर इस तरह का दे d बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन, तो इस तरह के यहाँ पे कांस्टेंट है ना, तो पहले इसको चेंज ऑफ बेस रूल में तोड़ के तब बनावे रहता है, तो इसको डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो वन ओपन में ये जो x रहेगा वो नीचे आ जाएगा, वन ओपन में x इंटू log, ये जो a रहेगा ना वो a ही यहाँ पे लिख देना रहता है। ये हो गई डिफरेंशिएशन। अब मेरे अनुसार लग रहा है कि डिफरेंशिएशन में तो हम लोगों को इतना ही है, अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद अब हम लोगों को लग नहीं रहा, हमको तो लग नहीं रहा है कि अब आगे और आपको यहाँ से कुछ देखने को मिलने वाला है। सो बस आपको इतना ही अब देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में,
देखिए इंटीग्रेशन में कैसे कैसे होगा, जितना डिफरेंशिएशन में पढ़े ना उसी तरह इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन में दो को देखने को मिलेगा, एगो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, एगो डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में फार्मूला नहीं है, वहाँ पे खाली प्रोसेस है, वहाँ पे प्रॉपर्टी है, लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में सब फार्मूला है। तो फार्मूला के बारे में जिक्र करेंगे तो सबसे पहला इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरह से होता है एस। एस मीन्स की सम। अगर मान लेते कोई छोटा सा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसको डी एक्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो ये बड़ा एफ ऑफ एक्स प्लस में सी लिखा जाता है, ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है ना वही फार्मूला होता है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में एक्स्ट्रा प्लस लास्ट में सी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं ये थ्योरी में समझाया हुआ। और डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया हुआ रहेगा, इन्हें फंक्शन रहेगा, तो इसको हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं ना। तो इसको भी इसमें देखिए किस किस टाइप का आपको फार्मूला देखने को मिलेगा। जो डिफरेंशिएशन में फार्मूला पढ़े ना वही वाला यहाँ पे उल्टा देखने को मिलेगा। ओह वाह, बहुत आज पूरा दिन ना आज थक गए। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर हो गया यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ से क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाला है, सो देखिए सबसे पहला इंटीग्रेशन ऑफ अगर एक्स के पावर एन डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, एक्स के पावर में एन प्लस में वन अपॉन में जो ऊपर है एन प्लस में वन उसको नीचे लिखेंगे प्लस में सी, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर कहीं पे भी ई टू द पावर एक्स डी एक्स दिखे तो इसका ई टू द पावर एक्स प्लस में सी। अगर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स दिखे तो इसका इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स अपॉन में लॉग ऑफ ए। फिर अगर कहीं पे भी इंटीग्रेशन अगर ओनली फॉर नहीं अगर ओनली फॉर डी एक्स का इंटीग्रेशन की बात किया जाए तो देखिए डी एक्स मीन्स कि स्मॉल एक्स स्मॉल एक्स स्मॉल एक्स को जोड़ेंगे ना तो यहाँ से हम लोग को एक बड़ा सा एक्स प्लस में सी प्राप्त होगा। इसके बाद अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला में। तो देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था, तो इंटीग्रेशन अगर कॉस एक्स डी एक्स का करने वाले हैं तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस में सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स करेंगे तो माइनस के साथ कॉस ऑफ एक्स प्लस में सी। इंटीग्रेशन साइन कॉस अगर इंटीग्रेशन टैन नहीं डी वाई डी एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो सेक स्क्वायर एक्स, तो अगर यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो यहाँ से टेन एक्स प्लस में सी प्राप्त होगा। साइन कॉस टेन कॉस सेक साइन का हो गया साइन का हो गया, कॉस का हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो गया, और क्या क्या सेक एक्स इंटू टेन एक्स एगो बचता है। तो अगर यहाँ से हम लोग सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स करें तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स तो ये किसका आ जाएगा, ये डी वाई डी एक्स सेक एक्स का था डिफरेंशिएशन है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहाँ से दे जाएगा ये सेक एक्स प्लस में सी देकर जाएगा। इतना सारा देखिए तो नोट डाउन करिए, इतना फिर कॉट एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स था ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का हो जाएगा माइनस के साथ कॉट ऑफ एक्स प्लस में से, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स था। फिर एक और था कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन जो था ना, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन वो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स था कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक्स एक्स कॉसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस के साथ कॉसेक एक्स प्लस में सी। क्या यहाँ तीन एक दो तीन चार पाँच छः यहाँ से डी बाई डी एक्स टेन एक्स और कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन निकल इंटीग्रेशन निकलती है ना वो थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में रहता है, वो भी फॉर्मेट आपको समझा दे रहे हैं।
और फिर आपको यहाँ से एक और वही इन्वर्स वाला देखने को मिलेगा। इधर मिटाएं, इधर मिटाते हैं, इधर ना मिटा रहे हैं। फ़ोन तो लग रहा है ना कि सवेरे से आधा से ज़्यादा तो फ़ोन में करके परेशान करते रहता है लोग, और लोग नहीं आप ही लोग रहते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर बात किया जाना तो आपको देखने को मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस अगर एक्स स्क्वायर रहेगा डी एक्स कहीं पे भी, तो इसका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, साइन इन्वर्स एक्स प्लस में से, क्योंकि साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन यही था हम लोगों का। दूसरा, अगर इंटीग्रेशन के साथ वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहेगा तो ये क्या देकर जाएगा, टैन इन्वर्स में एक्स प्लस में सी देकर जाएगा। तीसरा, वन अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स रहेगा तो ये क्या देकर जाएगा, ये हम लोगों को टैन साइन इन्वर्स में प्लस था तो कॉसेक में माइनस, ये देकर जाएगा कॉस तो ये देकर जाएगा सेक इन्वर्स, ठीक है ना, सेक इन्वर्स एक्स प्लस में सी। ये तीनों भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझते चल रहे होंगे आप लोग। अब इसके बाद यहाँ से इंटीग्रेशन में ना आप लोगों को देखने को मिलेगा, बुझा रहा है ना, बुझा जाएगा सब लोगों को। अब इसके बाद जो हम लोगों को यहाँ से आगे का जो फार्मूला देखने को मिलेगा वो रहेगा स्पेशल स्पेशल फार्मूला, जैसे स्पेशल स्पेशल में टैन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स ये सब का फार्मूला। तो इसको नोट डाउन करिए, इसको अब हम मिटाते हैं। देखिए यहाँ से जो आगे अब देखने को मिलेगा ना वो देखने को मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स डी एक्स का। तो देखिए इसका होता है माइनस के साथ लॉग ऑफ मोड सेक एक्स प्लस में सी होता है, ये ना माइनस में लॉग नहीं, इसका माइनस हटा दीजिए, माइनस लॉग सेक एक्स प्लस में सी, या नहीं तो इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग मोड कॉस ऑफ एक्स प्लस में सी, इसको लिख लीजिएगा। एक वो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से देखने को मिलेगा कॉट एक्स डी एक्स का, तो कॉट एक्स डी एक्स का भी ना इंटीग्रेशन इसी तरह से होता है, यहाँ से हो जाएगा लॉग के साथ साइन ऑफ एक्स मोड के साथ सी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से हो जाता है सेक ऑफ एक्स डी एक्स, कितना याद किया जाए, सेक ऑफ एक्स डी एक्स का क्या हो जाता है, लॉग का सेक ऑफ एक्स प्लस में टैन ऑफ एक्स प्लस में सी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक ऑफ एक्स डी एक्स का क्या हो जाता है, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस में कॉट ऑफ एक्स, इसको ना दीवार में चिपका दीजिएगा, उठते सुतते देखते रहिएगा, एक वही उपाय है। इतना बहुत इसमें बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है यही फॉर्मूला के चलते, इतना है ही है इसमें ना, टैन हो गया कॉट हो गया सेक हो गया कॉसेक हो गया, इतना सारा लिखिए। तो फिर इसमें जब हम लोग आगे जाएंगे तो तब हम लोगों को मिलने वाला एगो मिलेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला मिलेगा। अब वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या होता है सो देखिए, लिखते चलिएगा, जैसे जैसे लिखते चल रहे हैं वैसे वैसे देखिए। एगो होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है ना कि दो गो यू और भी के फॉर्मेट में रहेगा और इसका इंटीग्रेशन करना। तो देखिए कैसे करेंगे, यू को कांस्टेंट मानते हैं, भी को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस यहाँ पे यू को जिसको कांस्टेंट माने उसको डी बाय डी एक्स यू को डिफ्रेंशिएट करिएगा शुरू, फिर जो दूसर का जो भी माने हैं उसको भी को फिर से इंटीग्रेट करिएगा, फिर इसको ओवरऑल को ब्रैकेट में डालिएगा और इतना जो भी निकलेगा इसको फिर ओवरऑल को डी एक्स के साथ इंटीग्रेट कर दीजिएगा, इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना।
यू और भी, अब यहाँ पे अब समस्या होती है ये कि किसको यू मानेंगे किसको भी मानेंगे, तो उसके लिए फिर आपको आईलेट का कंडीशन है, आईलेट आई एल ए टी आई एल ए टी आईलेट, आओ लेटो मेरे साथ है ये होगा ना, आईलेट आई एल ए टी आईलेट, मतलब समझ में आ रहा है ना आईलेट। यहाँ पे देखिए कैसे इसमें हम लोग लेट करेंगे यू और भी के फॉर्मेट में, आई फॉर क्या हो जाता है इनवर्स, याद कर लीजिएगा, अगर ये फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा अगर उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रहेगा तो सबसे पहले उसको लेट करना, कांस्टेंट मानना है यू, अगर मान लेते इनवर्स नहीं रहेगा तो क्या लेंगे लॉग लेंगे, लॉग भी नहीं रहेगा तो क्या लेंगे अलजेब्रा को कांस्टेंट मानेंगे। फिर टी मीन्स की ट्रिगो को मानेंगे, ई मीन्स की एक्सपोनेंट को मानेंगे, ठीक है ना। तो ये होती है लेट करने का तरीका इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गए। अब आते हैं कुछ कुछ स्पेशल स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें तीन तीन छः तीन नौ को टोटल देखने को मिलेगा। मिटा दे रहे हैं इसको, अब आइए सम स्पेशल केसेस ऑफ इंटीग्रेशन। बारिश हो रही है आप लोग तरफ, इधर तो बहुत हो रही है अभी। स्पेशल लाइट भी कट गया, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए तो इंटीग्रेशन का जो स्पेशल स्पेशल टाइप है यहाँ पे किस किस टाइप का देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के साथ एक्स स्क्वायर, एगो डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के साथ ए स्क्वायर, फिर डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तीन गो स्पेशल स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ से कैसे कैसे हम लोग लिखेंगे, सो इसको तो इसको लिखेंगे वन अपॉन में टू ए लॉग, यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो ऊपर लिखेंगे ए प्लस एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में बन जाएगा, नीचे बन जाएगा ए माइनस एक्स मोड प्लस में सी। इसमें देखिए तो यहाँ से हो जाएगा वन अपॉन में टू ए, यहाँ से लॉग, देखिए शुरू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसमें ये चेंज हो जाता है, ये ऊपर जब ए स्क्वायर शुरू कांस्टेंट रहेगा तो ऊपर प्लस, जब एक्स स्क्वायर शुरू रहेगा तो उसको लिखिएगा आप क्या एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए का मोड प्लस में सी, इतना सब लोग लिखिएगा। फिर इसके बाद लास्ट वाला ये वन अपॉन में ए टैन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस में सी, ये हो गया, ये तीन गो स्पेशल इन्हें लिखते हैं तीन गो स्पेशल। अभी देखिए डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी बस वही चीजवा रहेगा, चीजवा वही रहेगा, बस खाली ऊपर एगो छतरी ओढ़ावल रहेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, एगो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन यहाँ से क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये हो गया। अब ये तीनों के, अब तीन गो के इसके बाद तीन गो और बनने वाला है, तो ये सब स्पेशल स्पेशल केसेस में आ जा रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा स्पेशल स्पेशल केसेस में। तो देखिए फर्स्ट है जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट, इसका बनता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस में सी बनता है, लिख लीजिएगा। अभी डी बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसका बनता है लॉग के साथ मोड एक्स प्लस में, ये वाला जो है ना सब लिख दीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का मोड प्लस में सी, इसका भी सेम वही कंडीशन बनता है, इसका भी वही बनेगा लॉग के साथ मोड एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का मोड प्लस में सी, इतना सारा लिखिए तो तीनों तीन छः गो हो गया, ठीक ना,
तीन और तीन छः गो हो गया। अब इसके बाद अभी तीन गो और फॉर्मेट देखने को मिलेगा, तीन गो और इसमें देखने को मिलेगा। वो तीनों का क्या कंडीशन है ना, वो तीनों का कंडीशन है ऊपरे ले जाना। ऊपरे ले जाना मतलब कि ऊपरे नहीं, सीधे के कहाँ बस अंतिम अंतिम कहानी हो गया वो नहीं। ये जो नीचे वाला है ना, इसको ऊपरे ले जाइए ना। ये जो ए वन अपन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऊपरे उठा के ले जाना। कैसे उठेगा सो देखिए, लिफ्ट लगा के क्रेन बुलाना होगा। तो इस पे काम करते हैं थोड़ा सा। इसी को देख के लिख लेते हैं ना, ये इंटीग्रेशन है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तबीयत खराब होगा का, तबीयत अभी नहीं खराब होने देना, बच्चा लोग का एग्जाम है ना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन ऑफ डालेंगे इसको ऊपर ले जाकर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब इसको मिटाता हूँ मैं, अब इस तीनों का फॉर्मूला लिख देते हैं ना। फॉर्मूला इसका कंडीशंस बनता है, एक्स अपॉन में टू अंडर रूट ये जो है यही रख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट रहता है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में टू साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस में सी। ठीक है, नीचे वाला का भी सेम वही कंडीशन हो जाएगा, एक्स अपॉन में टू ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपना जगह पे रहेगा, बीच में प्लस हो जाएगा वहाँ पे, नहीं माइनस। फिर यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन में टू, देखिए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ से बन जाता है लॉग मोड, यही वाला चीज़ वाली आई है यहाँ पे, एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के साथ ए स्क्वायर का मोड बाहर में प्लस में सी। इसका भी सेम वही कंडीशंस बने, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो इसका भी सेम वही कंडीशंस बनने वाला है। इसका भी बनेगा एक्स अपॉन में टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ से प्लस डालेंगे, ए स्क्वायर अपॉन में टू डालेंगे, यहाँ पे लॉग डाल देंगे, मोड डाल देंगे, एक्स डाल देंगे, प्लस में अंडर रूट क्या डाल देंगे, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद करना आसान है, अगर चार पांच को क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगा तो याद कर लीजिएगा, हो जाएगा याद। ये हो गया ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स अपॉन में टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में टू साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में टू मोड। ए स्क्वायर अपॉन में टू लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा एक्स बटा टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में टू लॉग मोड एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में सी। ये हो गए तीन और तीन छः, तीन नौ। अब इसमें देखिए तो एक आध को इस तरह से देखने को मिलता है, जैसे अगर कहीं पे भी एक्सपोनेंट ऑफ एक्स है और अगर यहाँ पे कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और ये फंक्शन का अगर यहाँ पे एफ डैश एक्स दिया हुआ है, इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर यहाँ पे दिया हुआ, देखिए ई टू द पावर एक्स होना चाहिए, और अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस में अगर इस फंक्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मेट एक तैयार होता है क्या, ई टू द पावर एक्स इंटू जो फंक्शन दिया हुआ है वही रखा जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस में क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं सी। ये है आपका डिफरेंशिएशन का कंप्लीट, सॉरी डिफरेंशिएशन का नहीं, इंटीग्रेशन का कंप्लीट लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर नहीं कंप्लीट फार्मूला। अब इसके बाद आपको आगे किसी भी तरह का कोई वैसे फार्मूला देखने को मिलेगा नहीं, अब आगे आपको खाली प्रोसेस है जो यह सब चीज़ों पर बेस्ड रहेगा,
समझे, यह सब चीज़ पे बेस्ड रहेगा। और अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी जाइएगा तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी यही देखने को मिलेगा, बस वहाँ पे वही लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में घुसेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में प्रोसेस है वहाँ पे डिग्री और ऑर्डर ही जनरली फाइंड आउट करनी है वहाँ पे, और डिफरेंशियल इक्वेशंस में यही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ही फॉर्मेट वहाँ पे पूरा देखने को मिलता है, वहाँ पे एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं। फिर उसके बाद आते हैं वेक्टर, समझे, उसके बाद आते हैं वेक्टर। वेक्टर का क्या क्या कंडीशन हो, तो वेक्टर में दो हम लोग देखेंगे, एक डॉट प्रोडक्ट देखेंगे और एक क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। देखिए डॉट प्रोडक्ट का क्या कंडीशन है, सो डॉट प्रोडक्ट का देखिए क्या कंडीशन है। डॉट प्रोडक्ट का कंडीशन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इस तरह से रहती है। इसका कंडीशन होता है ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड इनटू कॉस थीटा होता है। देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर एक एक ले लेते हैं वेक्टर, ए वेक्टर किस तरह से लिखा जाता है ना, इसमें रहेगा आई ए आई ए आई प्लस में बी जे प्लस में सी के, इस तरह से एगो वेक्टर है। ये देखिए ये जो डॉट प्रोडक्ट होती है ना ओनली फॉर मैग्नीट्यूड हम लोगों को देता है, ये किसी तरह का कोई भी डायरेक्शन हम लोग को शो नहीं करता है। अब यहाँ पे देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, यहाँ पे जहाँ चाहें तो कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसको एन ले आएंगे, ए वेक्टर का मोड डॉट बी वेक्टर का मोड बराबर कॉस थीटा, अगर थीटा का ज़रूरत पड़े तो थीटा बराबर हम लोग यहाँ से कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड, ठीक है ना, ये इतना निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब थीटा का वैल्यू अगर जीरो रखेंगे, देखिएगा वेन थीटा बराबर जीरो, थीटा बराबर जीरो मतलब कि दोनों वेक्टर एक ही तरफ है, अगर दोनों वेक्टर एक ही तरफ है तो ए बी का जो प्रोडक्ट ए बी का जो वैल्यू होगा ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो किसके बराबर आएगा, वो जीरो के बराबर आएगा, कॉस जीरो सॉरी कॉस जीरो का वैल्यू वन हो जाएगा ना, यानी ए बी वेक्टर बराबर वन आ जाएगा। यानी जब थीटा बराबर जीरो रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम प्राप्त होती है। अगर दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया तो यहाँ पे 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है। उस सिचुएशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू है ना वो जीरो के बराबर आती है, ठीक है ना, और उस सिचुएशन में उसका जो वैल्यू होता है सबसे मिनिमम होता है, कब, थीटा बराबर 90। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोला जाता है, प्रूफ करने के लिए भी बोल सकता है कि आप प्रूफ करके बताइए कि ये जो दोनों वेक्टर है ना ऑर्थोगोनल वेक्टर है, तो आपको यही प्रूफ करना है कि थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी यही प्रूफ कर देना है कि दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे अगर जीरो के बराबर आ गया तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे और देखिए डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर दोनों एक ही तरफ का डायरेक्शन है तो दोनों एक ही जैसा है, और दोनों एक ही तरफ का तो थीटा बराबर जीरो, यानी आई डॉट आई बराबर क्या होता है वन, ये एक ही जात भाई है, एक ही जात गोतिया है ना, तो आई जे जे अगर रहेगा तो भी वन, के वेक्टर डॉट के वेक्टर रहेगा तो भी वन, लेकिन अगर जहाँ चेंज हुआ आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, उस सिचुएशन में जीरो, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर बराबर में जीरो, के वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर में जीरो, ये भी आपको याद रखना है ना। और यहाँ से डॉट प्रोडक्ट में और आपको कुछ देखने का ज़रूरत है, बस डॉट प्रोडक्ट में आपको इतना ही देखने को मिलेगा, अब यहाँ से और कुछ नहीं। अब आते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। और ये डॉट प्रोडक्ट हमेशा ध्यान रखिएगा ये ओनली फॉर हम लोगों को मैग्नीट्यूड प्राप्त करता है, मतलब मैग्नीट्यूड देता है, इस यहाँ पे किसी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं है। अब एक और लास्ट देखते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का कंडीशन क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड, ए बी यहाँ पे होता है साइन थीटा,
एन यूनिट वेक्टर, यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर आ जाती है, यानी यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर कहने का मतलब कि यहाँ से डायरेक्शन हम लोगों को इसके साथ मिलता है, यानी इसमें ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ साथ मिलता है, समझ गए। तो यहाँ से अगर थीटा का ज़रूरत पड़ेगा तो थीटा भी निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे दो वेक्टर दे दिया है, जैसे ए वेक्टर दे दिया है ए वन आई प्लस में बी वन जे प्लस में सी वन के, और ए वेक्टर दे दिया है, बी वेक्टर दे दिया है ए टू आई प्लस में बी टू जे प्लस में सी टू के, और अगर बोले कि आप ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल के बताइए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तब कैसे निकालिएगा? तो ध्यान रखिए उस सिचुएशन में इसको आई जे के फॉर्मेट में लिखते हैं, फिर ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे, और डिटर्मिनांट निकालने के बाद जो भी निकलेगा वो इसी तरह से वेक्टर के फॉर्मेट में हो जाएगा। और अगर इसका मैग्नीट्यूड प्राप्त करना चाहते हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो भी आएगा इधर उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते कोई भी वेक्टर का वो बता देते, इसको मिटाते हैं जैसे देखिए ए वेक्टर है कोई, ये दिया हुआ है ए वन आई प्लस में बी वन जे प्लस में सी वन के दिया हुआ है। अगर इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी मोड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए वन का हॉल स्क्वायर प्लस में बी वन का हॉल स्क्वायर प्लस में सी वन का हॉल स्क्वायर, यहाँ से ए वेक्टर का मोड आराम से फाइंड आउट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी वेक्टर दिया हुआ उस वेक्टर का अगर यूनिट, ये देखिए ए कैप मीन्स की यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, जो भी वेक्टर दिया हुआ उस वेक्टर को लिख देना है और वही वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड प्राप्त होगा ना वही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और वैसे भी अगर यूनिट वेक्टर प्राप्त करना है, मान लेते फाइव आई वेक्टर था, इसका यूनिट वेक्टर प्राप्त करना है तो यही पाँच से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये खत्म हुआ आई यूनिट वेक्टर प्राप्त हो गया, यानी इसका जितना भी इस वेक्टर ऊपर वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वही वाला मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब कि मैग्नीट्यूड वन चाहिए और बस खाली डायरेक्शन चाहिए उसमें, ये हो गया। अब इसमें अब यहीं पे अब ये जो भी निकलेगा ये आई जे के फॉर्मेट में निकलेगा, अगर उसका मोड निकालना चाहते हैं मैग्नीट्यूड तो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट में आओ देखिएगा यहाँ पे, ये इस तरह से देखने को मिलता है, वो ऐसे साइकिल का तरह देखिए, यहाँ पे आई देखने को मिलेगा, यहाँ पे जे देखने को मिलेगा, यहाँ से के। तो देखिए आई क्रॉस जे अगर करेंगे ना, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, तो यहाँ से के वेक्टर प्राप्त होगा, ठीक है ना। जे वेक्टर क्रॉस, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर करेंगे ना तो यहाँ से आई वेक्टर प्राप्त होगा, के वेक्टर क्रॉस में आई वेक्टर करेंगे ना, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, तो यहाँ से प्राप्त होगा जे वेक्टर, ये भी आपको याद रखना है। फिर और आपको यहाँ से क्या ज़रूरत पड़ेगा आपको, फिर अगर एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम की अगर बात करें तो एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम क्या होता है, बेस वहाँ पे भी दे देगा आपको वेक्टर बेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना होगा, तब क्रॉस प्रोडक्ट लगा के और आप वहाँ से उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और तो कुछ छूट नहीं रहा है, और यहाँ से सब्जेक्टिव भी आपको करवाए ही हैं। अच्छा यहाँ पे अब देखिए, जैसे रिवर्स डायरेक्शन में अगर चलने लगिएगा, ये इस डायरेक्शन में जा रहे थे रिवर्स में, तो जैसे आई क्रॉस कोई जे जाएगा, सॉरी आई क्रॉस अगर के जाएगा तो उसका वैल्यू माइनस जे हो जाएगा, देखिएगा के क्रॉस जे जाएगा तो उसका वैल्यू माइनस आई हो जाएगा, ठीक है ना। I क्रॉस K जाएगा तो J क्रॉस I जाएगा तो उसका वैल्यू माइनस K, अगर K क्रॉस J जाएगा तो उसका वैल्यू माइनस है, मतलब जीव जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस के साथ हो जाता है, तो ये कंडीशन आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर बाद बाकी आपका सारा चीज़ तो बता ही दिए, एगो मैग्नीट्यूड भी निकालने के लिए आपको समझाइए दिए, फिर एगो डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक ना, एक डायरेक्शन कोसाइन ये क्या होता है ना, वो डॉट प्रोडक्ट में ही है डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन वाला फार्मूला भी बताइए देते हैं, कहे लोग छोड़े
बेचारा ने तो भी रोने लगेगा, बोलेगा कि सबके बता दिए, हमरा बताए भी नहीं किए। तो बता देते हैं वो, आप लोग भी बोलिएगा कि सर सब बताएं, उसको काला छोड़ दिए। देखिए एक डायरेक्शन कोसाइन होता है, उसको भी देख लीजिए। जैसे डायरेक्शन कोसाइन, देखिए डायरेक्शन कोसाइन का क्या कंडीशन, जैसे ए वेक्टर एक मेरे को देले है ए वन आई प्लस में, ये दिया हुआ ए वेक्टर दिया हुआ, अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन हम लोगों को निकालना है ना, तो देखिएगा इसका डायरेक्शन कोसाइन जो निकलता है वो क्या निकलता है कि ये जो ए वन है उस ए वन को रखिए अपॉन में इस टोटल का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, यानी ए वन का होल स्क्वायर प्लस में बी वन का होल स्क्वायर प्लस में सी वन का होल स्क्वायर। अब ये बी वन अपॉन में यही इसका डायरेक्शन कोसाइन होता है, ए स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर प्लस में बी वन स्क्वायर प्लस में सी वन स्क्वायर, सी वन अपॉन में ए वन का होल स्क्वायर प्लस में बी वन का होल स्क्वायर प्लस में सी वन का होल स्क्वायर, ये है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। ये डायरेक्शन कोसाइन आप ध्यान रखिएगा। ये थी आप लोगों का कंप्लीट मैथमेटिक्स टू का पूरा पूरी आपका फार्मूला, ठीक है। इतना सारा फार्मूला आप जरूर रटिएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट फार्मूला से ही क्वेश्चन आता है। मतलब फार्मूला बेसिस तो क्वेश्चंस देगा ही, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला वो पूछ देता है एमसीक्यू में। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि मतलब कि कॉपी में लिखे तो कॉपी में लिखल रह जाए, उसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा, और चोरी उरी करेला लेकेला होगा तो मिनी जेरोक्स ये सब भी करा लीजिएगा, फार्मूला ने तो इन्हें लिख लीजिएगा। हाँ तो तुम्हें बात बताए थे ना, इसको फुल बांह लगा के फिर शर्ट पूरा फुल बांह वाला पहन के चल जाना है, लिख लीजिएगा ना साइन इनवर्स ये, तो साइन इनवर्स ये। तो बस इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, और फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशंस में। तब तक के लिए बाय।